आपको बता दें कि गहना वशिष्ठ का बयान अभी सामने आया है राजकुंद्रा को लेकर। राजकुंद्रा को लेकर वो क्या कहना चाह रही हैं उन्होंने बताया है। आपको बता दें कि राजकुंद्रा को भी हाल ही में 2 महीने बाद जमानत पर रिहा किया गया। जी हाँ, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं खुद 5 महीने तक जेल में रही हूँ, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, मैं केवल उन्हीं से बात कर पा रही हूँ जो मुझे कॉल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि जेल से बाहर आने के बाद राजकुंद्रा ने अपना फ़ोन भी स्विच ऑन किया होगा। वो अभी बेहद तनाव में होंगे और डिप्रेशन में भी नज़र आ रहे थे। उन्हें अपने परिवार को समय देना चाहिए, जब चीज़ें थोड़ी सामान्य हो जाओगी तो मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी। जी हाँ, तो गहना वशिष्ठ का यही कहना है कि जब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी तो मैं राजकुंद्रा से बात करूँगी। फिलहाल उन्होंने राजकुंद्रा को लेकर कहा कि राजकुंद्रा को देखकर यही लग रहा था कि वो डिप्रेशन में है, काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, क्योंकि जिस तरह का उनका स्वास्थ्य लग रहा था वो काफ़ी आश्चर्यचकित था। इसको लेकर गहना वशिष्ठ ने कहा कि उन्हें देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था और लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, काफ़ी ज़्यादा तनाव में है। अब यही देखना होगा कि कब वो इस चीज़ से बाहर आते हैं, कब वो अपने परिवार को अभी समय देना ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, और अभी परिवार को वो ज़्यादा समय दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसीलिए गहना वशिष्ठ ने ये बात कही कि अभी वो थोड़े से परेशानी में लग रहे हैं, थोड़े से तनाव में लग रहे हैं, जब वो थोड़े ठीक हो जाएंगे, थोड़े इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी उन्हें अपने परिवार को समय देना चाहिए। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव सोसाइटी की रिपोर्ट।